नमस्कार प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह और प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया और शांति आपके जीवन में बहुत आयत से मिले। दोस्तों, आज हमारे बीच रेवरेंड डॉक्टर बतवेल एक्का उपस्थित हैं, जो एक टीचर और एक पुरोहित के रूप में अपनी सेवकाई भिन्न भिन्न जगहों में देते रहे हैं। 20 सालों तक उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न GEL चर्च में एक पुरोहित के रूप में अपनी सेवा दी और 6 सालों तक चेन्नई में FPTL ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उन्होंने नॉर्थ इंडिया के लगभग 10 राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी सेवा दी और इसके साथ ही साथ दिल्ली में रहते हुए 6 सालों तक 3 थियोलॉजिकल कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में सेवा देते रहे। पिछले दिनों कालेब थियोलॉजिकल कॉलेज में एकेडेमिक डीन के रूप में रह करके इन्होंने अपनी सेवा वहां प्रदान की और वर्तमान में दुमका में रहते हुए विभिन्न कलिसियाओं से जुड़ करके उन कलिसियाओं के बीच में डॉक्टर एक्का अपनी सेवा दे रहे हैं और आने वाले दिनों में वहां पर भी थियोलॉजिकल कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा प्रदान करने वाले हैं। तो आइए आज हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुने और आशीष प्राप्त करें। हम धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो जीवन ब्रिक्स प्रोग्राम जो YouTube और Facebook चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। हम धन्यवाद देते हैं सभी दर्शकगणों के लिए और हम धन्यवाद देते हैं सभी कलिशाओं के लिए जिन्होंने इसके माध्यम से अधिक लाभ उठाते हैं। आइए हम प्रोग्राम को आरंभ करने के पूर्व छोटी सी दुआ करें। पिता परमेश्वर, आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि आपका यह जीवन वृक्ष का चैनल जो प्रभु घर तक, व्यक्तिगत जीवन तक, लोगों के मध्य तक पहुंचाया जाता है, प्रभु हर एक इससे आत्मिक लाभ उठाएं और जिस तरह से जिस परिस्थिति के साथ हम लोग गुजार रहे हैं प्रभु इस परिस्थितियों के बारे में भी चर्चा कर पाए। हम इसी घड़ी प्रार्थना करते हैं और सभी बातों को और सभी श्रोतागण और दर्शकगणों के साथ मिल करके प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय हमने चुना है, जो आप लोगों तक हम पहुंचाने चाहते हैं, जो भी कि यह मूल विषय के तौर पर हम भजन संहिता पुराने नियम उसका 91 शाम को हम लिए हैं, इसको हम अभी पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, परंतु हम कुछ कुछ जगहों में जा करके आप लोगों से हम बात करेंगे। जो इसका मूल विषय होगा, जो थीम के तौर पर मैंने चुना है, Why does God allow suffering? आज विश्वासी होने के नाते हम हर एक के मन में यही सवाल पैदा होता है कि परमेश्वर क्यों ऐसे दुख या संक्रामक बीमारी हमारे लिए या ख्रिस्तियों के लिए या जगत के लिए भेजते हैं। हम कभी कभी समझे और ना समझ हो करके परमेश्वर पर दोषारोपण करते हैं कि शायद परमेश्वर हमारे गलत काम के कारण से, पाप के कारण से इस तरह का दंड दे रहे हैं। मैं कुछ बिंदुओं को आप लोगों के लिए साथ आज बांटने चाहूँगा, जिसमें कि पहला बिंदु होगा इसका कारण क्या है। जब हम लोग इस घड़ी कोरोना के कारण से एक महामारी के तौर पर जो पैंडेमिक जिसको हम लोग कहते हैं आ गया है और जिसके कारण से आज हजारों लाखों संख्या में लोग मर रहे हैं, जिसके कारण से आज सब लोग भयभीत हैं, सभी ख्रिस्तीय भाई बहन, कलिशिया के लोग, देश के लोग, सब नागरिक आज सब जगह भयभीत हो उठे हैं। शायद मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के तौर पर आपको ये बतलाने चाहूँगा, 1918 में इसी तरह का महामारी आया था जिसको फ्लू के नाम से जाना जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में 50 मिलियन करीब 50 करोड़ लोगों का जान गई। और उसी तरह से आप लोग याद करेंगे 2009 में भी स्वाइन फ्लू आया था जिसके तहत करीब 6 लाख लोग मरे और आज कोरोना COVID-19 के रूप से एक वायरस आ गया है जिसके तहत अभी मैं न्यूज़पेपर से और चैनल से और कुछ माध्यम से मैं स्टडी कर रहा था, देख रहा था, तो इसमें अभी तक पूरे वर्ल्ड में 33.9
लाख लोग मर चुके हैं और इसलिए हम नहीं जानते हैं कि इस तरह का ये परिस्थिति कब तक रहेगा और हम ख्रिस्ती होकर के, मसीह होकर के, कलीसिया होकर के हमारा क्या क्या कर्तव्य होगा। इसलिए आइए हम लोग कुछ वचनों को लेकर के, परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर के हम लोग देखने का और समझने का कोशिश करेंगे। परमेश्वर भजन संहिता 91 में कहते हैं, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। क्योंकि ये परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखने का समय हमारे लिए है और इसीलिए कुछ कारण जो इस तरह का परिस्थिति आती है तो हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए और सुरक्षा के तौर पर कलीसिया होकर के, ख्रिस्तीय होकर के, विश्वासी होकर के हमें लोगों को किस तरह से लोगों के साथ बातचीत करना है। अगर हम लोग याकूब के पत्र उसका पहला अध्याय 2 और 3 पद को पढ़ेंगे जहाँ पर वहाँ लिखा गया है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, इससे विश्वास के द्वारा धीरज बढ़ेगा। जब परीक्षाएं आती है, जब इस तरह का संक्रमण हमारे बीच में आती है, हम लोगों को परमेश्वर का वचन ढाढ़स देता है कि हम उसको आनंदता से स्वीकार करें और हम अपने अपने विश्वास की जांच कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर हम लोग इब्रानी के पत्र उसका 12 अध्याय उसका 8 पद को जाएंगे तो वहाँ पर हमें यह भी बात मिलता है कि इससे परमेश्वर के पास खड़ा होने का और हम जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं उसको प्रमाण करने का एक मौका हमको मिलता है। और इसलिए जरूर ये महामारी बहुतों का जीवन में आया, हमारे परिवार से भी, हमारे कलीसिया के बीच से भी, हमारे परिवार के माध्यम से भी बहुत लोग गुजर गए, परमेश्वर के पास चले गए, हम विश्वास करते हैं। परंतु जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम इस बात का भी प्रमाण करते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, संतान हैं और इसीलिए परमेश्वर हमें हर समय ढाढ़स देते हैं क्योंकि परमेश्वर जिनको प्यार करते हैं हम लोग जानते हैं वो उसको उसी तरह से उतना ही दंड देते हैं। जिसको कि अगर हम लोग नीति वचन, तो वहाँ पर बतलाया गया है कि एक पिता और पुत्र के रिलेशन में किस तरह से रहना चाहिए। पिता का कर्तव्य बनता है अगर गलती करता है तो पुत्र को छाड़ी मरने का। परमेश्वर हम लोगों को कभी कभी इस तरह के महामारी या छोटी छोटी बीमारी या कठिनाई ला करके हम लोगों को छड़ी लगाते हैं ताकि हम गलत तरीके से अपना जीवन व्यतीत ना करें। और इसीलिए परमेश्वर की जो अनुग्रह यीशु मसीह में हमको और आपको मिला है, जिसको फिलिपी 1:29 में कहा गया है, हम अनुग्रह से यीशु के साथ जुड़ गए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह हम सबों को यीशु मसीह के कारण से जोड़ दिया है और जब हम यीशु मसीह के साथ हम जुड़ चुके हैं, आज हमें यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि परमेश्वर हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ दिखा पाएंगे। और इसलिए ये बहुत सारी कारण हम लोग धर्मशास्त्र में पाते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग इस विपत्ति में, जब इस कठिनाई में हम लोग आते हैं, तो परमेश्वर क्यों ऐसी समस्याओं को या विपत्तियों को या महामारी को हमारे बीच में आने देते हैं। यदि हम बाइबल में जाएंगे फिर से यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसका 4 पद में, जहां लाजर की मृत्यु हुई, लोग सवाल करने लगे थे। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट वहां पहुंचा और उसको जिलाया, लोग सवाल करने लगे क्यों ऐसा हुआ। तब प्रभु यीशु ख्रीष्ट उनके लिए यही जवाब दिया था, उसके द्वारा से, इस घटना के द्वारा से परमेश्वर पिता की महिमा हो। और उसी तरह से हम लोग अगर पुराने नियम में जाएंगे, दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय उसका 12 से 23 पद में, तो वहाँ उज्जिया राजा के बारे में पता मिलता है, जिसने परमेश्वर की संगति से दूर जा रहा था, उसके शरीर में कोढ़ आ गया था और ये परमेश्वर की संगति से, उसके आदेश को पालन ना करके सांसारिक बातों पे और देवी देवताओं की बातों को लेकर के वो दूसरी ओर भटक गए थे, जिसके कारण से उसके जीवन में भी कोढ़ आया। उसी तरह से मूसा के बहन मरियम, जो गिनती उसका 12 उसका 10 पद में कहा गया है कि मरियम भी जब परमेश्वर की संगति में रही, मूसा के साथ रही, भाई बहन के रूप से बहुत अच्छा अगुवाई कर रही थी, परंतु उसके मन में आया कि अब मूसा गलत कर रहा है और उसको उस गलत से बचाने के लिए कुछ क्रिटिसाइज कर दी थी, उसको खंडन की थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और तब मरियम के जीवन में भी कोढ़ का प्रभाव पड़ा था।
और इस तरह से हम लोग बाइबल में पुराने नियम में जाएंगे तो बहुत सारा उदाहरण आपको यहाँ वहाँ मिलेगा, लेकिन हम नए नियम में फिर आते हैं तो फिर हम लोगों को यीशु मसीह के जीवन काल में हम लोग बहुत उदाहरण पाएंगे जहाँ प्रभु यीशु ने मरे हुओं को जिलाया, अंधों को चंगा किया और इस तरह से सभी विषयों को उसने पूरा किया है। और इसीलिए आज हम सबके लिए कई तरह के आदेशों को करते हैं और हम लोगों को ध्यान देना होगा, जो भी कि हम लोग ऐसा परिस्थिति में आते हैं तो हमें क्या क्या जवाबदेही होगी। जेरमिया उसका 29 उसका 11 में कहता है, यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरा करूँगा। यह परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमारे लिए और आपके लिए है। और इसीलिए हम लोग इफिसी उसका 6:10-18 में पढ़ेंगे, वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर के हथियारों के बारे में हम लोग उसको बांध लें। और 18 पद में इसी वचन में कहा गया है कि आत्मा की प्रार्थना और विनती में हम लगे रहें, आत्मा की अगुवाई से हम लोग प्रार्थना में और विनती में लगे रहें, ताकि इसके द्वारा से बहुतों को प्रेरणा और आशीष मिलेगी। आज हम सब के लिए परमेश्वर एक मौका दिए हैं कि ऐसे परिस्थिति में कलीसिया होकर के, परिवार होकर के, व्यक्तिगत होकर के, सामूहिक होकर के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, आत्मा में प्रार्थना करें, बोझ के साथ प्रार्थना करें और हम इस महामारी के समय में अपने आप को सुरक्षित रखें। परमेश्वर हम सबों को सहायता और अगुवाई करें। आमीन। रेवरेंड डॉक्टर बथवल एक्का को उनकी बहुत ही प्रभावशाली संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आप निश्चय ही आज के संदेश से परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में अनुभव करने पाए होंगे और बहुत सारी बातों को जो हम परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं आप आज उन्हें भी अपने जीवन में देखने पाए होंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें और आप सब हर प्रकार से सावधानी बरतते हुए, मास्क का सही रीति से प्रयोग करते हुए, एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखते हुए और सरकार के आदेशों का पालन करते हुए एक सुरक्षित और संयमित जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर आप सबों का मार्गदर्शन करें।